what you expect me to say. You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. Hey, hello guys, welcome back to my channel. आपको मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो मैं महाशिवरात्रि में बाबा भूतनाथ धाम में गया था पूजा देने। अगर कलकत्ता का प्राचीनतम मंदिर कोई बोलेगा, ये मंदिर बहुत पुराना है। आपको पता है कितना साल पुराना है? 300 ईयर्स पुराना है। हाँ, और यहाँ पूजा कैसे दी जाती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ मानी जाती है एक लाश को अलग तरीके से रख दी जाती है, ठीक है, और उस लाश को जलाने के बाद उसका जो वश में है, उसका जो छाई है, उस छाई से बाबा भूतनाथ का पूजा दी जाती है। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगी बट यही सच है। और बाबा भूतनाथ धाम के पास ही, मतलब बाबा के मंदिर के पास ही हमारी नीमतला शमशान, शमशान जिसको बोलता है, लाश जलाई जाती है। एक तरफ इच्छा पूरा करने के लिए प्रे की जाती है और एक तरफ हर एक इच्छा ख़त्म हो जाती है एक इंसान के साथ। देख ही पा रहे कैसे इंसान खड़ा हुआ है और वहाँ लाश चल रही है। इसके पास में ही, बाबा भूतनाथ धाम के पास में ही एक पार्क है, तो मैं वहाँ जा गया था आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ शांत हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का नेचर ही कुछ ऐसी है कि आप लोगों को शांत कर देगा। एक तरफ से आएगी घंटा का आवाज़, पूजा का आवाज़, शंख ध्वनि आएगी, और एक तरफ से आएगी चिल्लाने का आवाज़, रोने का आवाज़। अजीब वो गरीब, मतलब एक फीलिंग्स आती है वो जगह जाने पे। आप लोग जा सकते हो, जाकर एक बार बैठ के नेचर को फील कर सकते हो कि ये ज़िंदगी भी क्या है। भूतनाथ धाम के अंदर कैसा है मैं आप लोगों को दिखा दी। बाबा का मंदिर एक रूपाली कलर का बैरीकोट से पूरा कवर किया है और बाबा नीचे बैठे हुए हैं, वहाँ ही सब लोग पानी डालता है, वो दिखा दिया। और उसके पास में भी बहुत सारी मंदिर है। और मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आप लोग थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हिंदी बोल नहीं पाती हूँ, ठीक है। और जब भी आप लोग मंदिर में आओगे, आप लोग सोचोगे कि माला कहाँ से खरीदे, या बाबा के माथे में डालेंगे दूध कहाँ से खरीदे, वो सब यहाँ मिलता है, यहाँ स्टॉल है। ये रिवर के पास मैं गया और मांगा कि सब लोग अच्छे रहे, अच्छे से ज़िंदगी बिताए, सबका जो ख्वाहिश है सब पूरा हो जाए इस साल में। तो गाइस, ऐसे ही गई मेरी महाशिवरात्रि। अब मैं वहाँ थोड़ा रील्स बनाई और थोड़ा फोटोशूट कर ली। तो गाइज, आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ना देकर कहीं ना जाना। Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. तो देख ही लिए वहाँ साइड में कितना सारा स्टॉल बैठा हुआ था। और जब शिवरात्रि होती है, फिर महाकाल का पूजा होती है श्रावण मास में, ठीक है, मतलब श्रावण महीना में, तो वहाँ ना बहुत सारी मेला भी बैठता है। आप लोगों को ढेर सारा गले का हार मिलेगा। मैं 30 रुपीज़ का भी एक जंग ज्वेलरी खरीदी थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है। उसके बाद आने के टाइम मेरा वहाँ एक मंदिर था, जोड़ा शिव मंदिर, वहाँ मैं पूजा दिया। आने के बाद रात के 12 बजे के बाद मैं यहाँ प्रसाद खाया। खिचड़ी था, बैंगन का भाजी था, एक छेचड़ा था और मिठाई था। और मेरी स्किन केयर मैं रात में क्या करती हूँ वो भी दिखा दिया। और थोड़ा सोचा कि आज क्यों ना एक मूवी देखी जाए, तो मैं अपनी मूवी देखने बैठ गई। बहुत अच्छी मूवी थी। वो देखने के बाद रात का 12 बज गया। और 12 बजे क्या है अभी आप लोग देख पाओगे, टन टना, 12 बजे आज मेरी बर्थडे है। यस, आज मेरी बर्थडे है। तो बर्थडे का भी पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब महाशिवरात्रि जो था उसका नेक्स्ट दिन ही मेरी बर्थडे थी। तो मेरा यहाँ फेसबुक में आप लोगों को दिखा दे रही हूँ और मेरा इंस्टाग्राम भी दिखा दे रही हूँ। प्लीज़ मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो।
It's never better when mistakes are made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. तो सुबह हो गई। सुबह होने के बाद मॉम बोला कि तू अपना बेडशीट बिछा ले। तो मैं वहाँ अपना बेडशीट बिछा लिया। बिछा लेने के बाद देखा कि टीवी थोड़ा गंदा हो गई है। तो मैं सोचा कि टीवी को थोड़ा साफ भी कर ले और आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत भी कर ले। तो मैं यहाँ अपना जो जहाँ मैं लैपटॉप वगैरह रखती हूँ वो हर एक जगह को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। अब रिमोट वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया। मैं एक चीज़ देखी हूँ, एसी का रिमोट बोलो, टीवी का रिमोट बोलो या सेटअप बॉक्स का रिमोट बोलो, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाती है। मीशो में बहुत सारी कवर ऐसे वगैरह मिलती है जो रिमोट को ना कवर करके रखती है। मैं सोच रही हूँ ना मैं कि वो एक ले लूँ, क्योंकि रिमोट वगैरह बहुत गंदा हो जाती है। किस किस के साथ ऐसा होती है प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताने मत भूलना। तो लास्ट रात में ने मतलब देखी दिखाई थी आप लोगों को कि मैं मूवी देख रही थी टैब में, तो मैं वाईफाई बंद करना भूल गई थी, तो वहाँ वाईफाई बंद कर दिया। अब मैं बाबा जी के पास मतलब मेरा कृष्ण भगवान के पास का जो फूल का मतलब है उसको सही से साफ सुथरा कर लिया। तो मॉम बोला कि तू तो अपना ड्रेस निकाल ले, तो मैं अभी वही निकाल रही हूँ। और मैं कौन सा क्या ड्रेस पहन रही हूँ उसके लिए तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना। ये सुबह का ड्रेस था तो मैं निकाल लिया, आप देख लीजिए। Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. तो जनाब हमारे लिए केक लाई थी। कैसी केक लाई थी, मतलब उतना बड़ा डब्बा बाइक के पीछे कैसे ऐसे 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 करके लाई थी वही बोल रही थी। और मुझे बोल रही थी कि देखो केक तो मतलब ख़राब तो नहीं हो गई है ना, तो वो थोड़ा ख़राब ही हो गई थी, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मॉम आज मेरे लिए दाल बनाई थी, मतलब फिश का माथे से दाल बनाई थी और रेड मीट बनाई थी और 5 टाइप का फ्राई बनाई थी। किसके घर में बर्थडे के लिए स्पेशल क्या क्या बनता है वो मुझे कमेंट में बताना। मैं बंदी हूँ इसलिए आज खीर नहीं बनेगा, बंगाली लोगों का एक रूल्स होती है, ठीक है। उसके बाद वो बहुत अच्छे से घर को सजा दिया, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी क्योंकि मैं पिंक ड्रेस पहनने पर मतलब पहनने वाली हूँ ना, तो पिंक ड्रेस पहनने वाली हूँ इसलिए पिंक सब कुछ सजाई थी। पिंक एंड वाइट का थीम था। गाना सुनते सुनते वो हर एक चीज़ सजा लिया। आप देखिए मैं रेडी होने के बाद तो मॉम ढेर सारा काम कर रही थी तो थोड़ा हाथ बटा दिया। आप केक कटिंग का टाइम आया, ये जो बच्चा देख रहे हैं ये बहुत बदमाश है। दो बच्चा मिलकर मेरा माथा तो बाप रे बाप पागल बना दिया, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, उसके लिए मेरा वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा।